चलो अब हम बात करेंगे आज प्रो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हम प्रो ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, प्रो ट्रेनिंग है क्या बेसिकली एंड हमें करना क्या है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ी बात करूं तो देखो, अगर आप हो या कोई भी हो, मिसाल अपने सिस्टम में द एंड इंप्लीमेंट, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ग्रो करो, जो आपके ड्रीम्स है जो आपने मेरे को लिख के भेजे हैं कॉपी में खुद, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, वो सारे ड्रीम्स आप अचीव करो सिंपली, ठीक है। और आप भी मुझे लग रहा है इसीलिए आए हो यहाँ पर, ठीक है, लग रहा है कि आप आए इसलिए हो, ठीक है, आप कुछ नया सीखना है, अर्निंग करनी है और अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो अपने जी अपने साथ ना आज आज के आज ना कमिट कर लो भाई, हमने जो अपने नोटबुक में और अपने माइंड में यहाँ बिठा के रखना है कि हमें अचीव क्या करना है, वो करके दिखाना है, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी ब्रेक थ्रू आ जाए, कितना जितना मर्जी लाइफ में कुछ भी हो जाए, पर हमें वो अचीव करना ही करना है, ठीक है। ये मेन यू ये आपके लिए, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करो सिंपली, ठीक है बड़ी। अब मैं जी स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, जी देखो टॉपिक जो कवर होंगे ना प्रो ट्रेनिंग में, आप खुद भी रीड कर सकते हो, मैं रीड कर देता हूँ एक बारी। माइंडसेट, स्किल्स डेवलपमेंट में आएगा, प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में कैसे पर्सन से बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कॉल पे कैसे बात कर सकते हैं, देन आता है इन्विटेशन, कि हम उसको वेबिनार में कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, उसको वीडियो कैसे सेंड कर सकते हैं वो। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन, कि हम किसी पर्सन को मीटिंग के थ्रू, जैसे मैं आपको आज वेबिनार दे रहा हूँ, या कॉल पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उसको पूरा बिजनेस क्लियर हो जाए। फिर आता है क्लोजिंग, कि हम अपनी जो डील है जो हमने ज्वाइनिंग है वो कैसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है फॉलो अप, फॉलोअप के बारे में आपको बताऊंगा करते कैसे हैं। एंड लास्ट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड थर्ड नंबर पे आपको आज या कल में आपको मैं प्लान वर्क प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये समझोगे कि भाई मेरे को करना क्या है, कि आपको पूरा एक रोड मैप दे दूंगा कि आपको काम करना कैसे है, ठीक है। सिंपली लास्ट में आता है आपको मैं थोड़ी बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा, अभी नहीं, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा जिसको आप देख के ना इस फील्ड के अंदर मास्टर कर जाओगे, ठीक है, मास्टर कर जाओगे, कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ज्वाइन कैसे कराना और ग्रो कैसे करना हमें, ठीक है, जी उस चीज के रिगार्डिंग। तो ब्रदर अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड आज आपने देखा होगा, मैंने ना एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे कि मैंने रात को 12:30 बजे एक ज्वाइनिंग करी, ठीक है, रात को 12:30 बजे, सोच लो कि रात को भी अर्निंग हो रही है, ठीक है, समझ सकते हो, रात को अराउंड 12:30 को मैंने एक ज्वाइनिंग कराई है, ठीक है। वही मैं स्किल जो मैं यूज करता हूँ ना, जो मैं यूज करता हूँ, जैसे मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, वही मैं आपको सिखाऊंगा सिस्टम में, ताकि आप भी उसको देख के ग्रो कर सको, ठीक है। पहले हम मूव ऑन करते हैं माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। नोट एक आया, एक आपको नोट दूंगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी जब आप ज्वाइन किए थे, ठीक है, सिस्टम को, कि भाई आप यहाँ पर ना अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं हो ना किसी और के लिए हो, यहाँ पर आप अपने लिए हो, ठीक है। आपने जो भी ड्रीम्स लिखे हैं ना वो अपने माइंड में बिठा लो कि भाई हमको वो अचीव करने हैं, और यहाँ पर हमें स्किल सीख के जाना है, अगर हम यहाँ पर अपना टाइम देंगे ना तो हमें स्किल सीखने हैं और कुछ नहीं करना, स्किल सीखनी है ताकि वो हमें लाइफ टाइम तक इनकम देती रहे, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एक एक स्किल है ना वो है सेल्स क्लोजिंग का, ठीक है, अगर वो किसी पर्सन ने सीख लिया ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा, पता है सेल्स, क्योंकि आपको पता है हर एक फील्ड में सेल्स है, कहीं भी चल जाओ, कोई गाड़ी बेच रहा सेल्स है, कोई कंपनी खड़ा कर रहा है वो भी सेल्स है, हर एक जगह सेल्स है। अगर हम स्कूल जाते हैं वो भी एक सेल्स मार्केटिंग है ब्रो, वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, उनको पता अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो हम सेल्स कर रहे हैं, वो बुक्स बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, क्या ब्रदर, वो सेल्स ही है, ठीक है, हर जगह सेल्स है, इसलिए हमें उस स्किल को मास्टर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए हैं अपना टाइम दे रहे हैं, हमें उस स्किल को मास्टर करना है। एंड लास्ट में आपको अपना वाई पता है कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया है सिस्टम, ठीक है, आपको अपना वाई खुद पर्सनली पता होगा कि मैंने सिस्टम को वाई मतलब स्टार्ट क्यों किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बड़ी, देखो माइंडसेट, ठीक है, आपको पता है माइंडसेट स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, ठीक है, अगर माइंडसेट अपना स्ट्रांग नहीं ना होगा जो हमारा ड्रीम्स है ना वो कभी फुलफिल नहीं होंगे, आपको सिंपली पता है, ठीक है। आप 10 दिन काम करोगे, फिर आप अगले दिन बोलोगे कि भाई मन नहीं कर रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके ड्रीम्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपको काम करना ही नहीं है, ठीक है, वो आपको फोर्स नहीं कर रहे जल्दी उठने के लिए, ठीक है, आपको फोर्स नहीं कर रहे कुछ काम करने के लिए, ठीक है, आपके ड्रीम्स इतने छोटे हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ड्रीम्स का आपको पता है, जो हमको ना इम्पॉसिबल लगे, सपोज करो अगर आज मैं यहाँ पर बैठू, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 100 करोड़ रुपया अर्न करना है, भाई वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है, पर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप उसको काम करूंगा ना, शायद मैं 10 साल या 5 साल बाद वो अचीव कर लूंगा, ठीक है। ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो इम्पॉसिबल लगे ब्रदर, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ ये तो मैंने आपको नोट करा दिया है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, पर ये आपको जो भी इस वीडियो को देखेगा आपको ये गोल्स अपने खुद लिखने गाइस, ठीक है, मेरे को शेयर करना है, अपने स्पॉन्सर को शेयर करने हैं, ताकि उनको ये चीज पता हो और आपको ये चीज पता हो कि आपकी गोल्स क्या और आपको अचीव क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आपने अपने ड्रीम्स तो लिख लिए, मतलब आप जहां भी सोते हो, ठीक है, आप में से जो भी ये वीडियो देखेगा, आप जहां भी सोते हो ना, अपने सामने ना एक ड्रीम बोर्ड लगा लो, एक बोर्ड आता है आपने देखा होगा स्कूल में भी होता है, नोटिस बोर्ड टाइप छोटा सा, हाँ अगर आप वो परचेज कर सकते हो ना, उसको परचेज कर लो,
और आपने अपने जो भी ड्रीम्स लिखे हैं ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, एक एक पार्ट में ना डिवाइड कर दो। शॉर्ट टर्म के गोल्स की ना पिक्चर या नोट लगा के सामने बोर्ड के ऊपर लगा दो। ये क्यों जरूरी है भाई आपके लिए? जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना, सबसे पहले आपको ये चीज दिखेगी बाकी सब चीजों से पहले। क्यों? जब आप इस चीज को देखोगे ना, तो आपके ड्रीम्स है ना वो आपको फोर्स करेंगे कि भाई उठ और उन मेरे को अचीव कर, मतलब कि अपने टारगेट को अचीव कर, जो तेरे ड्रीम्स उनको अचीव कर। एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि ये ड्रीम बोर्ड ना परचेज कर लेना, अराउंड ये 150 और 200 का आएगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा महंगा नहीं होगा, ठीक है। उस पर अपने ड्रीम्स लिस्ट लगा दो या नोट लगा दो, या जो आपके ड्रीम है उनकी फोटो लगा दो। तो आप मॉर्निंग में उठोगे ना और उसको देखोगे ना, जो आपके अंदर एनर्जी आएगी ना, वो तो ब्रदर आपको अचीव करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी ड्रीम्स। और डेली जब आप कंट्रीब्यूट करते जाओगे ना, आपके ड्रीम्स ऑब्वियसली अचीव हो जाएंगे, ठीक है। ये ड्रीम बोर्ड अगर आपकी मर्जी, आपको लगाना तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है बड़ी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ड्रीम्स मेन थिंग्स कम कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज आप मेरे साथ वेबिनार अटेंड कर रहे हो, आपको पता हम इस वाली कैटेगरी में है, हम बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आप इन्वेस्टर भी बनने वाले हो तो इंडियन क्लब के साथ, ठीक है। आपको इन्वेस्टिंग भी करना सिखाया जाएगा कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, पर बेसिकली अभी हम कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है। आपको पता, अगर आपको कोई भी बड़ा ड्रीम अचीव करना है वो बिजनेस ही हो सकता है, जॉब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जॉब से भी होते हैं ड्रीम फुलफिल, पर छोटे छोटे, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड देख लो आज के टाइम में, जिनके अराउंड की अपनी खुद की शॉप होती है या एक दो पर्सन रखे होंगे डाउन में, बस उनके भी उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम फ्रीडम तो है ही नहीं है, ऐसा होगा बट टाइम फ्रीडम नहीं है। वो अपनी शॉप को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उनको पता है जब तक हम दुकान पर बैठे हमारा बिजनेस तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस। हमें पता है आज के टाइम अगर हम 2-3 महीने के बाद अगर अपनी टीम खड़ी कर देंगे ना अच्छी वाली, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई हमारी टीम काम कर रही है, हमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है इसका थर्ड कैटेगरी का बेनिफिट, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब चीज का फ्रीडम होता है। एंड लास्ट वाला तो ब्रदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा सही है इन्वेस्टर। आपको पता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद टाइम ही टाइम हो, जब मर्जी कहीं पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कॉफी शॉप पे, क्लब में, कहीं भी बैठ के इन्वेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। हम उसी कैसे कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिजनेस, और हमें इसी से ग्रो करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा ना यहाँ तक? आपका माइंड सेट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ कि आपको अपने माइंड सेट पे क्या करना है वर्क, ठीक है। अगर हम माइंड सेट पे वर्क कर लेंगे ना, तो हमारा जो अर्निंग है ना अपने आप आता रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज पता होगा कि लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल, आपने सुना होगा, ठीक है। जिनकी सेम थिंकिंग होती है ना, वो सेम थिंकिंग वाले पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ना अपनी एनर्जी इतनी हाई होनी चाहिए ना कि जो अगले वाला पर्सन है ना उसके अंदर हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सके, तभी हमारी ज्वाइनिंग भी होगी ग्रो, ठीक है। हमें अपनी एनर्जी हाई रखनी है, अगर हमारे ड्रीम्स बढ़े हैं ना, एनर्जी भी हाई रखनी है, ठीक है। देखो इस बिजनेस में क्या होता है ब्रदर, कि आप जो लोगों के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, इसमें आपका जो इनकम है ना, जो आपका चेक है, वो तब डिसाइड होता है जब आप लोगों के लिए ज्यादा करते हो, ठीक है। अगर आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं आपके लिए ना कुछ बेनिफिट वाली चीजें दे रहा हूँ, अगर मैं दूंगा आप उससे ग्रो करोगे ना, मैं ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाऊंगा, मेरे को उसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, या मैं फोर्स करूंगा। मैं आपको जब नॉलेज दे रहा हूँ ना, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, जब आप ग्रो करोगे ऑटोमेटिकली मैं भी ग्रो कर जाऊंगा, ठीक है। वैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, नॉलेज दो, ताकि जब वो ग्रो करे ना ऑटोमेटिकली आप भी ग्रो कर जाओ, ठीक है। क्लियर हो रहा ब्रो? एंड यू आर वर्किंग फॉर ड्रीम्स बट फॉर यूर्स और समवन एल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए हो ना अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, पीपल बाय पीपल, ठीक है, पीपल, लोग ना आपको खरीदेंगे, हमेशा याद रखना, आपको अपने आपको ऐसा बनाना कि लोग आपको खरीदें, ठीक है। आपको पता है जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो किसी को बिजनेस बता रहे होते हैं, उस बंदे को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, पर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कब करता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आई है, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही है, तब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपके साथ बिजनेस करेगा, चाहे उसको पता नहीं होगा, ठीक है, उसको बिजनेस के बारे में डिटेल में पता नहीं होगा, पर वो आपके साथ बिजनेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है। इसलिए अपने आपको ऐसा बना दो कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आपके साथ बिजनेस करें, ठीक है ब्रो, ये सब कुछ सिखाया जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको अपने ड्रीम्स भी पता है, आपके साथ आपका आपका एक माइंडसेट भी बनेगा आहिस्ता आहिस्ता, आज के दिन ही बन जाएगा इस मीटिंग के बाद, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंडसेट बनेगा कि आपको क्या अचीव करना है, उसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता डेली डेली कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, डेली डेली उसके लिए वर्क करो, आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ बताया माइंडसेट के बारे में, मेन थिंग क्या आती है कि हमें वो जो माइंडसेट हमने क्रिएट किया, अब हमें उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, मतलब किस स्किल से हम ग्रो कर पाएंगे और अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था सेकंड पार्ट हमारा जो, ठीक है, हम डायरेक्टली चलेंगे स्किल सेशन के ऊपर, ठीक है। बदर आपको थोड़ा क्लियर हुआ अपना माइंडसेट बनाना कैसे है?
ठीक है, आपको अपने ड्रीम्स पता होने चाहिए। ड्रीम्स के लिए ऐसा होना चाहिए कि पूरी कमिटमेंट रखो, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस रखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, ठीक है। अगर हमें वो अचीव करना ना, करके दिखाना जो मर्जी हो रहा है, ठीक है, अपना माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर दो। मैं आपका माइंडसेट नहीं क्रिएट कर सकता, मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के मतलब आपको ऐसा नहीं बना सकता कि भाई आपको वो अचीव करना करना करना, जब तक आपके अंदर से खुद आवाज नहीं आएगी, ठीक है। अपने आप को ऐसा बना दो कि भाई आप जो मर्जी हो रहे, जो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, पर आपको अपना ड्रीम अचीव करना ही करना है, ठीक है बेटी। हाँ हाँ बढ़िया, आओ तो जोश ब्रो। हाय हाँ हाँ सर, फिल्म देखी है उड़िया आपने? बढ़िया हाँ बढ़िया, चलो पता है हम डायरेक्टली अब चलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। वेट करना यार 1 मिनट। कभी टाइम बहुत है हमारे पास, हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। हम चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आपको पता है ब्रदर कुछ आइडिया है प्रोस्पेक्टिंग होती क्या? ना ऐसे कभी सुना हो कहीं पे वर्ड? सुना तो है लेकिन पता नहीं है क्या आता है। ठीक है, देखो ब्रदर प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग में से ING बाहर निकाल देना, वहां बचता है प्रोस्पेक्ट। जैसे आप थोड़े दिन पहले मेरे लिए प्रोस्पेक्ट थे, ठीक है। लाइक मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, आपने समझा, आपने वीडियो देखी, आप मेरे प्रोस्पेक्ट थे, ठीक है। मैंने आपको हाँ प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई सोशल मीडिया से, फिर आपने नंबर एक्सचेंज किया, मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, आपने वीडियो देखी, वो था पूरा प्रोसेस प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है। मैंने आपको प्रोस्पेक्ट किया, आपको बिजनेस के बारे में बताया कि भाई बिजनेस होता क्या है, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, हाँ ठीक है। जब आप नया नया किसी के सामने अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हो ना, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। सिंपली जैसे मैंने आपको आपसे कैसे बात की थी बड़ी, मैंने आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, हाय देव, आपने रिप्लाई किया हाय ब्रो, मैंने आपसे पूछा कैसे हो, क्या करते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको अपना बिजनेस पिच किया, बिजनेस मैसेज, आपने रिप्लाई किया, मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत कि आप इसके बारे में जानते हो, मैंने बोला आप नंबर सेंड कर दो, हम डायरेक्टली कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस था सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग का। मैंने आपको सिंपली आपसे बात करना स्टार्ट करी, आपसे नंबर एक्सचेंज किया एंड डायरेक्टली आपको कॉल पे ले आया, कॉल पे आपके बारे में पूछा क्या करते हो, फिर मैं आपको बिजनेस के बारे में बताया, फिर मैंने उसके बाद आपको इनवाइट किया। इनवाइट कहाँ पर किया कि भाई आप वीडियो देखो एंड उसके बाद हम बात करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने प्रोस्पेक्टिंग भी कर दी आपकी, इन्विटेशन भी कर दी, फॉलोअप भी ले लिया। फॉलोअप कैसे लिया कि भाई आप वीडियो देखो, मैं आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करता हूँ नेक्स्ट डे, फिर आपसे मैंने कॉल पे बात करी। आपको पूरा मैंने बिजनेस के बारे में प्रेजेंट किया, आपको पूरा बिजनेस के बारे में क्लियर किया, उसके बाद मैं कहाँ गया, क्लोजिंग की तरफ। मैंने आपको की तरफ क्लोजिंग की, ठीक है। आपको मैंने डेट दे दी, आपने बोला कंफर्म कर दो सीट, मैंने आपकी सीट कंफर्म की, आपकी जो भी सॉरी ऑब्जेक्शन थी वो मैंने हैंडल करी, पूरी क्लियर करी। उसके बाद मैं आपको कहाँ लेके गया, क्लोजिंग पे, ठीक है। 1 बजे क्या होगी, क्लोजिंग। ये प्रोसेस होता है ब्रो सिंपली, इसके बीच में कुछ नहीं है, पर इसके बीच में ये है कि आपको स्किल सीखने हैं, आपको क्लोज कैसे करना, आप लोगों से बात कैसे करनी है, आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, आपको वो सीखना है, आपको वो चीज मास्टर करनी है, ठीक है। कैसा प्रोसेस था ये आपको भी बता दे, सिंपल सा प्रोसेस था। आपसे प्रोस्पेक्टिंग करी, आपसे बात करी, आपको वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाई, आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर करी, फिर मैंने आपको प्रेजेंट किया बिजनेस थोड़ा उसके बारे में, एंड क्या किया, क्लोजिंग डन। कुछ हुआ ब्रो उसके अलावा? उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हुआ था? नहीं नहीं हुआ था ना, सिंपल था, आपको सिंपल लगा? हाँ वैसे हमको भी आपको भी करना है सिंपली, और ये आराम से होगा, ठीक है। चलो अब टाइम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आपको किसी पर्सन से ना कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको पता है सिंपली हम क्या बोलेंगे, हाय या उसका नाम लेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हाय भेजोगे तो मैं आपको पूरा मास्टर कराऊंगा कि आपको सोशल मीडिया पे बात कैसे करनी है। हाय भेजोगे उसका नाम लेके, फिर वो हाय भेजेगा, पूछो कैसे हो, वो बताएगा ऐसे ठीक हूँ, ठीक है। देन आप उसे ये पूछ सकते हो कि करता क्या है, ठीक है, पर आपने उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी देखी हुई है। आपको अगर आप उसकी प्रोफाइल देखोगे फिर भी आप उसको पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हो, वो बताएगा अपने बारे में ये करता हूँ, ठीक है। फिर डायरेक्टली आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, आपको मैसेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको बिजनेस के बारे में बता सकते हो। तो बिजनेस के बारे में बताया आपने उसको, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप आगे प्रोसीड करके उसका नंबर एक्सचेंज करके कहाँ ला सकते हो, कॉल पे, ठीक है। देखो अब जब हम उसको कॉल पे लाते हैं, सिंपल से प्रोसेस वहां पर भी यही रहता है, इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद अपने भी देंगे थोड़ी, उसके बाद हम उसे पूछेंगे कि वो करता क्या ब्रो। अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ये मेरे पास थोड़े ओपनर्स हैं, इनको ओपनर बोलता हूँ मैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, हम थोड़ा बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर वो स्टूडेंट है ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में है, स्कूल में है ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अगर आप खुद भी पढ़ लेना ठीक है, कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि वो अपने पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। तो अगर आज मैं आपको ऐसा वे बता दूं जिससे आप भी अपनी स्टडीज के साथ साथ घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सको तो कैसा रहेगा, वो ऑब्वियसली बोलेगा बढ़िया रहेगा ठीक है। अगर उसने बढ़िया रहेगा बोल दिया तो उसका मतलब है हाउ, मेरे को बताओ कैसे ठीक है। हमने सिंपली एक मैसेज उसको दिया, सिंपल सा एक मैसेज उसको दिया, उसने क्या पूछा मेरे को और बताओ, और बताने के बाद हम क्या करेंगे, या तो उसको थोड़ा बिजनेस के बारे में बता देंगे, सिंपल वाला स्टेप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फोर्सेज, या तो हम उसको थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे, या तो हम उसको क्या करेंगे इनवाइट करेंगे किसके लिए कि भाई मेरे पास एक वीडियो है आधे घंटे की, आप वो व्हाट्सएप पे वॉच करो, उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ ठीक है। क्या किया हमने स्टार्टिंग में, सोशल मीडिया से उस पर्सन को लाया ठीक है, इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ली कॉल पे, जो भी करोगे तो आपको भी पता आप कैसे बात करते हो ठीक है, सिंपली आपको इतना तो सबको पता होता है कि बात कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन लेनी कैसे है। हमें उसके प्रोफेशन के बारे में पता चल गया कि वो करना क्या चाहता है लाइफ में ठीक है, मतलब है क्या, कर रहा क्या, और इन फ्यूचर क्या करने वाला। स्टूडेंट के बारे में हम लोग उसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया, उसने बोला मेरे को और बताओ कि कैसे, मतलब कैसे हम अर्न कर पाएंगे। सिंपल या तो हम उनको वीडियो सेंड कर सकते हो ठीक है, या तो आप उनको बता सकते हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, या फोर्सेज के बारे में कि हम बिजनेस कर रहे हैं ठीक है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, देखो अगर आपके सामने कोई जॉब वाला पर्सन आता है, सपोज करो कोई जॉब कर रहा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन लेने के बाद, वो कर रहा क्या, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि हर कोई जानता है कि जॉब, ये सेकंड वाला स्टेप बोल रहा हूं मैं ठीक है, रीड भी कर लेना आप साथ साथ में, हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं हो सकता, फैक्ट है आपको ही पता है देव की, जॉब करने से कोई भी अमीर नहीं हो सकता, क्यों, आधा टैक्स तो गवर्नमेंट ही ले जाती है, टैक्स से सारी इनकम निकाल लेती है गवर्नमेंट ठीक है। हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं हो सकते, फैक्ट है, और कोई इस पर डिसएग्री नहीं करेगा ठीक है। सेकंड वापस हमने एक फैक्ट दिया, पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं, ये भी फैक्ट है कि लोग 40 इयर्स 30 इयर्स काम ही करते रहते हैं जॉब में, एंड उसके बाद वो रिटायर होके वही ओल्ड लाइफ जीते हैं ओल्ड एज में ठीक है, ये भी फैक्ट है, कोई डिसएग्री नहीं करेगा। दो फैक्ट मारे कि हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं हो सकता, पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो जॉब छोड़ के या जॉब के साथ 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 एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। हमने उसको एक तरीका बता दिया, हमने उसको एक मैसेज, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके माइंड में हमने ट्रांसफर कर दिया कि भाई आप भी अर्न कर सकते हो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में ठीक है। वो पूछेगा कैसे ठीक है, जब उसने कैसे पूछा वापिस वही, अब उसको बिजनेस के बारे में थोड़ा बता सकते हो, नहीं तो उसको इनवाइट कर सकते हो वीडियो देखने के लिए ठीक है। एग्जांपल क्लियर हुई वो, वैसे आप यहाँ पर ये वाली एग्जांपल ये रीड कर सकते हो, मैं आपको ऐसे पीडीएफ तो शेयर कर दूंगा, खुद भी रीड कर सकते हो ठीक है। आप इसमें स्टूडेंट को जोड़ सकते हो, जैसे आप प्रोफेशन के बेस में जोड़ सकते हो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में बहुत टाइम देते हैं और अपना पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं और ज्यादा अर्न भी नहीं कर पाते, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और उनको पैसा आता रहता है, ये एग्जाम्पल है ठीक है। अब इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, एक ये, एक दो तीन चार, अब इनमें से कुछ भी यूज करके ना, खाली आपको ये निकालना है कि वो आपसे पूछे कैसे, जब उन्होंने कैसे पूछ लिया ना, आपको उनको सिंपली इनवाइट करना ठीक है। इनवाइट कैसे करना है इसका ध्यान रखना, इनवाइट कैसे करना आपको, कि जब आप पर्सन को बोल रहे हो कि मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आपको खुद उसको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करनी, आपको उसको क्या बोलना है कि ब्रदर आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेजो, इससे होगा क्या, वो आपका नंबर ना सेव करेगा, अगर वो आपका नंबर नहीं ना सेव करेगा तो आप उसको फॉलोअप नहीं करवाओगे, आपको मैं फॉलोअप भी बताऊंगा क्या होता है, उसको फॉलोअप नहीं करवाओगे, आपको उसका आपको अपना नंबर उसके फोन में सेव कराना है, आपको उसको बोलना कि भाई मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेजो अपने नेम के साथ, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा ठीक है। सिंपल था हमारा पहला स्टेप प्रोस्पेक्टिंग का, इन्विटेशन भी हमारा इसमें इंक्लूड हो गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। सपोज करो अब प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड पार्ट क्या ब्रो, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो ठीक है, आप क्या करते हो ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अपने ना दो पॉइंट ले सकते हो आप, पहला और दूसरा ठीक है। आप बोल सकते हो कि भाई मैं लोगों की मदद करता हूँ उनको फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए और उनको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, सिंपली आप अपना खुद का ही क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप क्या करते हो, आप तो आप ये बता सकते हो कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और उनको फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए और मैं हेल्प करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि ब्रो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ ठीक है, सिंपल एज दैट
ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, पूरा सिंपल प्रोसेस लेके चलना। आप ये बोल सकते हो कि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आप चीज ये बोल सकते हो कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाए और ज्यादा से ज्यादा स्किल सीख पाए जो उनको आगे जाके लाइफ में हेल्प करे, ठीक है। इसमें प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ बोल सकते हो स्टूडेंट्स की जगह अगर वो स्टूडेंट है स्टूडेंट बोल दो, अगर वो जॉब कर रहा है जॉब बोल दो, अगर वो बेला पर्सन बेला बैठा हुआ है कुछ भी नहीं करता है, आप उसको बोल सकते हो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, उनको स्किल्स बिल्ड करने के लिए, ताकि उनको लाइफ में आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है ब्रो। ये क्लियर है प्रोस्पेक्टिंग का पहला पार्ट ओपनर, कि आपको बात कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, उसको बताना क्या है, ठीक है, एग्जांपल देके। सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप तो ये बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ब्रो, पक्का ना? हाँ ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लास्ट पार्ट में, पार्ट थ्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है ब्रो, देखो वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, ये मैंने आपको बताया था जो हमने लिस्ट क्रिएट की हुई ऑलरेडी, ये मैंने आपको इसलिए बोला था ताकि हमें आगे जाके ना हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्टली हमें वार्म मार्केट के ऊपर वर्क करना है, जो सिंपली जिनको हम जानते हैं उनके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद हम चलेंगे कोल्ड मार्केट में जो होगी सोशल मीडिया में, ठीक है। पहले हम काम कहाँ काम करेंगे, वार्म मार्केट के ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्या होता है ब्रदर, लॉ ऑफ एवरेज, आपको लॉ ऑफ एवरेज ना ऐसे ही बताओगे लाइफ में, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर एक क्लास में ना 30 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज करो 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनमें से हर कोई टॉप नहीं कर सकता, ये आपको ही पता है। लॉ ऑफ एवरेज होता है कि 30 में से 2 या 3 टॉप करेंगे, ठीक है, 10 या 12 एवरेज रहेंगे और बाकी जो बचे वो लो रहेंगे, ठीक है। आपको होता है लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, ठीक है। दुनिया के अंदर भी देख लो, लॉ ऑफ एवरेज ऑलरेडी है, रिच पीपल, मिडिल क्लास पीपल, फिर लोअर पुअर, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज ही है कि उनमें से रिच कौन है, मिडिल कौन है एंड पुअर कौन है, इस सारा के लॉ ऑफ एवरेज। वैसे हमारे बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, ठीक है। एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप 100 लोगों को 100 पीपल को बिजनेस बता रहे हो, ठीक है, तो उनमें से खाली 15 या 20 ही ज्वाइन करेंगे, जो बाकी के बचेंगे ना वो हमारी फॉलो अप लिस्ट में आएंगे, ठीक है, 15 या 20 ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज, अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो उनमें से 15 या 20 ही ज्वाइन करेंगे, बाकी के फॉलो अप लिस्ट में रहेंगे। पर हम इस एवरेज को बढ़ा सकते हैं कैसे, देखो 15 जो 15 20 जो ज्वाइन हुए हैं उनको हमने सेम प्रेजेंटेशन दी है, पर जो बाकी के 80 ज्वाइन नहीं हुए हैं उनमें हमने ये चीज सीखनी है कि हमने उसमें क्या गलत बोला या क्या उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उन चीजों से सीखोगे ना तो आपको जो लॉ ऑफ एवरेज है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में शायद आप 100 में से 30 पीपल्स को ही ज्वाइन करा लो, 40 पीपल्स को ही ज्वाइन करा लो या 50 को ही करा लो, ठीक है, वो इम्प्रूव होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉक टू मोर पीपल एंड गेट मोर रिजल्ट्स, ठीक है, इसका मतलब यही है, जब आप ज्यादा लोगों से बात करोगे ना तो आपको सीखने को भी मिलेगा कि भाई लोग सोचते कैसे हैं, लोगों का माइंडसेट कैसे और हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको खाली बेसिक बता रहा हूँ, जब आप इनकी डिटेल में जाओगे ना, आप इतने प्रोफेशनल बन जाओगे ना कि आपको खुद नहीं पता चलेगा भाई मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया, ठीक है, इतना आप ग्रो कर जाओगे। ये चीज है ब्रो लॉ ऑफ एवरेज, आपको ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया, जिसके ऊपर हमें काम करना है इन फ्यूचर, वार्म मार्केट के बाद हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, ठीक है। पहली बात आपको पता है आजकल मेन क्या है, फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। फेसबुक तो भाई एक गोल्ड माइन है, आपको लोगों की कमी नहीं होने वाली है फेसबुक के ऊपर अगर आप फेसबुक यूज करते हो, ठीक है। फेसबुक, अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम की दोनों की बात करें, प्रोफाइल पिक्चर मेन होती है अपनी, प्रोफाइल पिक्चर हमें ब्रदर अपनी लगानी है, खुद की इतनी लगा लो, अपने फेस की लगा लो, मतलब फेस की लगा लो या इतनी की फोटो लगा लो कोई भी, और अपने ग्रुप की या किसी गाड़ी की ऐसे कुछ मतलब कोई और मत लगाना, अपनी पर्सनल खुद की लगाना, ठीक है। कवर पिक्चर में फेसबुक पे आप अपने ग्रुप की अपनी फैमिली की लगा सकते हो, पर ये मत लगाना जैसे लगाते हैं लोग रोने वाले वो वाले, ठीक है, वो मत यूज करना। आप अपनी फैमिली की लगा सकते हो खुद जैसे खड़े हैं, ठीक है, या अपने लाइफस्टाइल के बारे में लगा सकते हो कि आप क्या इंजॉय कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, ठीक है, उसे कवर पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। एंड आप फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट करोगे ना, मतलब वो पोस्ट करना जिसमें वैल्यू हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, तभी ग्रो करोगे, ठीक है। लोगों की लाइफ में जब आप वैल्यू ऐड करोगे ना, तभी ग्रो करोगे, ठीक है। पोस्ट वो करो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, मोटिवेशन होगी या कुछ भी हो गया, ठीक है। एंड आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं डालना फेसबुक पे, फेसबुक जो अपनी प्रोफाइल रहती है उसको कुछ भी नहीं डालना ना इंस्टाग्राम पे, क्यों, क्योंकि जब आप कंपनी के बारे में ज्यादा डालोगे ना
जो किसी से बात करने जाओगे ना, पहले समझ जाएगा कि भाई मैं कोई बिजनेस ना पिच करने आया है सिंपली। आप स्टोरी में अपने जो फेसबुक स्टोरी होता है उसमें कभी कभी डाल सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी में, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आपको करना मेरे को डीएम करो, पर आपको फेसबुक की पोस्ट में कभी नहीं डालना, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि मेरे को कंपनी के बारे में ही बताएगा, ठीक है? फिफ्थ में आप ये बता सकते हो ब्रदर, लाइफ स्टाइल पोस्ट, कहीं घूमने जा रहे हो उसकी फोटो डाल दो, या कुछ भी कर रहे हो उसकी फोटो डाल दो, ठीक है? लास्ट में आता है वीडियोज। ये जो पार्ट है ना ब्रो, ये किसी किसी के लिए ये मतलब इतना होता है, मतलब कोई भी कर जाते हैं इजली, उनको नहीं कर पाते। अब मेरे को ये चीज बताओ कि आप इजली कर लोगे या नहीं कर पाओगे? वीडियोस कर लूंगा। आप थोड़ा ट्राई करना जरूरी रहता है हर एक चीज, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग करेंगे ना, स्टार्टिंग से बेटर होते जाएंगे हम, ठीक है? वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करना, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, खुद भी आइडिया ढूंढ सकते हो, ठीक है? ये था फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में। आपको पता है ये आजकल यही दोनों मेन चल रहे हैं ज्यादातर, जहाँ पर लोग काम करते हैं। लिंक्डइन भी है अपना, ठीक है? जो बिजनेस, वो लिंक्डइन तो सबसे ज्यादा मेन है क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस वाला प्लेटफॉर्म है, B2B, इसको कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म, ठीक है? वहां पर भी आपको पता है पोस्ट वगैरह होती है, कनेक्शन होते हैं उसमें, ठीक है? किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्शन होते हैं, ठीक है? आप लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हो, पर मैं आपको मेजरली यही बोलूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करो, और व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप तो सबसे ज्यादा मेन है यार, वहां पर क्लोजिंग भी वहां पर होती है, वहां पर ही सब कुछ होता है, ठीक है? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा सारा। इंस्टाग्राम आपको पता है पोस्ट, लाइक, स्टोरीज, फॉलो, स्टोरीज रहती है, पोस्ट रहती है, लाइक करना, फॉलो करना, सब कुछ। यूट्यूब चैनल, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है कि आपको कुछ करना है, ठीक है, यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब चैनल आज स्टार्ट किया, छह महीने बाद आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए, आपको चैनल तो मोनेटाइज होगा, साथ में उधर से भी इनकम आ सकती है। अब इसका भी यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आप करना चाहते हो तब। वैल्यू ऐड करो, वैल्यू वाली वीडियोस शेयर करो, कंपनी के बारे में ज्यादा मत बताओ, कभी कभी एक महीने में एक वीडियो डाल दो, इनफ है, ठीक है? वैसे आपके पास ट्विटर रहता है, ट्वीट्स वगैरह फॉलोअर्स होते हैं उसमें भी, एक्टिव रोस्ट में भी, अगर आप यूज करना चाहते हो तब है। मैं आपको खाली प्रेफरेंसेस दे रहा हूँ, आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं स्नैपचैट। स्नैपचैट वैसे यूथ तो बहुत बहुत ज्यादा वहां पर यूथ वहां पर उसको सही काम के लिए यूज नहीं करता, ठीक है? तो हम उसको लीव ही करेंगे, आपको पता ही स्नैपचैट में, ठीक है? स्टोरीज वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, स्नैप स्ट्रीक बनाना, 100 की इतने स्ट्रीक बना देते हैं लोग आजकल, ठीक है? अपना आता है लास्ट, जो हमारा मेजर है ना, जहां पर हमारी क्लोजिंग भी होगी, वो आता है व्हाट्सएप। स्टेटस सबसे ज्यादा मेन। ब्रॉडकास्टिंग पता है आपको कैसे होती है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाती है ब्रो? बिल्कुल आता। अच्छा आता है आपको? आप पहले बिजनेस करते थे क्या? ना। फिर वो वैसे बता ब्रॉडकास्ट के बारे में। ठीक है फॉलो वगैरह मतलब तो, अच्छा मतलब आपको आता है लिस्ट बनाना, चलो बढ़िया ब्रो इसके लिए, ठीक है? चलो आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में क्लियर हुआ, पहला वाला पार्ट, सेकंड वाला क्या करना, व्हाट डू यू डू, एंड थर्ड वाला ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ये क्लियर हो गया ब्रो, ठीक है? अब हमने सीख लिया प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इनविटेशन के टॉपिक पे, कि हम लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सीख लिया। चलो इनविटेशन वापस वही आ गया, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट कौन सी वाली, जिसको हमें अभी वर्क करना है, जिनको हम जानते हैं। कोल्ड मार्केट कौन सी वाली, सोशल मीडिया जो हमारे लिए अननोन है, ठीक है? वार्म मार्केट इनविटेशन आपको पता है, जिनको हम जानते हैं, हम उनको इजिली अप्रोच कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली बुला सकते हैं, ठीक है? उनको डायरेक्टली, अपने दोस्तों को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सही बिजनेस है, तो एक बार आके देख, मेरे स्पॉन्सर मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग को अटेंड कर, अगर तेरे को अच्छा लगेगा तो कर ले, ठीक है? उनको डायरेक्टली बता सकते हैं, योगी वार्म मार्केट। इसमें मेरे को आप, मुझे नहीं लग रहा कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत है हमें, ठीक है? सेकंड चलते हैं कोल्ड मार्केट में, ठीक है? ब्रदर आज ना मैं दो ही टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है? क्योंकि मीटिंग एंड भी होने वाली है थोड़े टाइम में, एंड अगर मेरे को एक और दिन एक्सटेंड करना पड़ा ना संडे वाला भी, तो मैं वो भी कर लूंगा, ठीक है? अगर हमारा पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ, अगर कल हो जाता है फिर मैं संडे एक्सटेंड नहीं करूंगा, ठीक है? अभी हम बात करते हैं मतलब कोल्ड मार्केट इन्विटेशन पे। कोल्ड मार्केट कौन सी होगी जिनको हम जानते नहीं है, वहां पर सेम वही चलेगा, पहले हम नंबर एक्सचेंज करेंगे, फिर हम मारेंगे ओपनर, जो प्रोस्पेक्टिंग का पहला पार्ट था। क्लियर है ना आपको, याद है? मुझे पता आपको याद है ओपनर वाला, ठीक है? उसके बाद वो पर्सन हमसे पूछेगा कैसे, ठीक है? मतलब वो सिंपली कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को इसके बारे में और बताओ, ठीक है? आप उसको बोलना बढ़िया। अब उसको ये चीज पूछ सकते हो कि भैया फ्री हो इवनिंग में, अगर आपको वीडियो सेंड करनी है,
ये आपको वेबिनार के लिए पूछना है ना, कि अगर जैसे मेरा वेबिनार रहेगा, अगर आपको लोगों को बुलाना है ये पूछ सकते हो कि भाई आप इस इवनिंग में फ्री हो, अगर वो बोलेगा हाँ देन आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई हमारा 7 PM में ना जूम का एक मीटिंग है, ठीक है, अगर आप वो सीरियसली अटेंड करना चाहते हो, अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपके लिए ना सीट रिजर्व कर देता हूँ, ठीक है, सीट रिजर्व कर देता हूँ, आपको ये नहीं बोला कि सीट पड़ी है, आपको बोला सीट रिजर्व कर देता हूँ, ठीक है, उस बंदे को लगेगा सीट रिजर्व कर रहा है पर्सन तो यार मेन ही होगा, ठीक है, फिर आपको थोड़ा टाइम लेना है, टाइम क्यों लेना पड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ना खेलना होता है, जब हम बंदे को ना कंफ्यूज कर देते हैं ना तो बंदा और एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, जैसे हम उसको बोलेंगे मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर दूं, अगर बोलेगा यस तो आप उसको बोलना थोड़ा देर ना वेट करिए, मैं चेक करके बताता हूँ कि सीट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, फिर आप थोड़ी देर ऐसे मतलब थोड़ा टाइम लेना, ऐसे थोड़ा करना, फिर उसको बोलना कि सीट अवेलेबल है, वो फटाफट बोलेगा कन्फर्म कर दो, ठीक है, जब कन्फर्म कर ली वेबिनार के लिए वो आ गया, हमारा क्या हो गया, इन्विटेशन प्रोसेस खत्म, क्या हुआ इसमें, ओपनर मारा, उसने पूछा कैसे, फिर वो बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे को और बताओ, ठीक है, फिर हमने उससे पूछा कि आप इस इवनिंग को फ्री हो, फिर आप उसको या वेबिनार के लिए बुलाओ या उसको रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दो, ठीक है, फिर आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि हमारा 7 PM में जूम का मीटिंग है, अगर आप वो अटेंड करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर दूं, और वो पर्सन बोलेगा यस, देन आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपली कंफर्मेशन के लिए कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, उसको बोल सकते हो कि भाई हमारी सीट पड़ी है, कंफर्म कर देता हूँ तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। ये था इन्विटेशन प्रोसेस, अभी तक कुछ भी पूछना ब्रो आप में, आपको इसमें हम कल कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग अभी जो मैंने आपको बताया सब ना अभी कुछ भी नहीं पूछना, आप मुझे PDF भी सेंड कर देना तो मैं उसको पढ़ लूंगा, ठीक है बड़ी विद दैट अपना जो एक कोर्स है, ठीक है, अपना कोर्स रहेगा पुष्कर राज ठाकुर का, आपको पता होगा, ठीक है, बेंगलुरु नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज ही भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप वो कोर्स भी देखना आज से या कल से स्टार्ट कर सकते हो, क्यों कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिजनेस में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक वो आप अगर कवर कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, उसके भी नोट्स क्रिएट कर लेना ब्रो, ठीक है जी। आज मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा, अगर आपको करना है, ठीक है, अगर करना चाहते हो एक ड्रीम बोर्ड क्रिएट कर लो बड़ी, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, विद दैट जो भी मैंने आपको आज चीजें बताई हैं, इसका मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा, वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी, इसको आप देख सकते हो एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट आपको करना है, करके सकते हो, आपको करना है, ठीक है, इस वीडियो को देखो वापस ध्यान से समझो जो भी चीजें बताई हैं एंड आपको आगे जाके हेल्प करेंगी जरूर, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर कि हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देन ये तो एंड हो गया, फिर हम चलेंगे प्रो ट्रेनिंग पार्ट 2 में, ठीक है, कल से मैं शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।